नमस्कार, जय हिंद। थंबनेल तो आपने देखा ही होगा, थंबनेल देखकर ही आए होंगे। तो इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल देख करके प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूं कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से बिहार दरोगा में फायदा होने वाला है। बिल्कुल हम लोग लाइव प्रूफ के साथ देखने वाले हैं। क्यों पढ़ें? अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को कहते हुए देखा होगा कि प्रीवियस ईयर पढ़िए। मैं भी आपको कहता हूं कि प्रीवियस ईयर पढ़िए। तो कैसे भैया, कैसे? कोई प्रूफ है क्या प्रीवियस ईयर पढ़ने से होगा फायदा? तो जी हाँ, बिल्कुल फायदा होगा। यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। बिहार सब इंस्पेक्टर, ये प्रश्न पत्र है ना, सभी एग्जाम सभी जितने भी हुए हैं बिहार सब इंस्पेक्टर के द्वारा सबका है। तो मैं मिलान करा के दिखाने वाला हूं कि कब कहां से पूछा गया है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। हम लोग ज्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है बात कि जो प्रश्न पूछा गया है अब वही थोड़ी पूछा जाएगा। मेरे भी मन में रहता था, जब मैं प्रीवियस ईयर का अध्ययन नहीं किया था पहले, जब मैं खुद तैयारी करता था, तो मेरे भी मन में यह ख्याल रहता था कि अब तो एक बार पूछ लिया गया है, अब क्या बार बार वही थोड़ी पूछेगा। आयोग इतना बेवकूफ थोड़ी होता है कि जो पूछ लिया गया है उसी को बार बार पूछेगा। तो जी हाँ, इसी को हम लोग प्रूफ के साथ देखने वाले हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं हम लोग किताब। हाँ, शुरू करते हैं। ये मैं इसमें फ्लैग भी लगाया हूं, है ना, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये फ्लैग लगा है। क्वेश्चन नंबर 73, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है ना, ये कब पूछा गया है? ये 73वां नंबर प्रश्न है। और ये पूछा कब गया है, हम दिखा दे रहे हैं बिल्कुल, 26/12/2021 है ना, परीक्षा तिथि 26/12/2021। ठीक, ये प्रश्न क्या है जरा फिर से देख लीजिए। नेशनल पार्क, ओके, नेशनल पार्क है। आगे हम चलते हैं तो और भी हमने इसमें लगाया है फ्लैग। तो देखिए और भी है क्या है ये प्रश्न, तो चलिए। हाँ देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर प्रश्न संख्या 34, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना। सेम प्रश्न रिपीट किया गया है कि नहीं किया गया है? रिपीट किया गया है कि नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया है। ठीक, ये तो एक हो गया। इसके अलावा और भी हैं। यहां देखिए 42 नंबर जो प्रश्न है, ये कह रहा है कि मुर्रा नस्ल है ना, मुर्रा नस्ल है, आपको दिख रहा होगा। हाँ दिख गया ना, मुर्रा नस्ल है, नस्ल से प्रश्न आया है। अब आगे दिखा देते हैं, दिखाते हैं इसी में। बुक में बदलूंगा नहीं, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि बुक ये बदल देंगे तो बदलूंगा नहीं, मैं आप लोगों के सामने ही बिल्कुल रहूंगा। देखिए, मुर्रा नस्ल का अभी आपने देखा, यहां पर देखिए निमारी नस्ल है ना। तो कहेंगे सर बदल तो गया ना क्वेश्चन, तो मैं यही तो बताने वाला हूं कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कुछ टॉपिक रिपीट होते हैं। जैसे आपने मुर्रा नस्ल देखा, यहां आप क्या देख रहे हैं, निमारी नस्ल। आगे जब आप चलते हैं तो देखिए, अभी और मैं दिखा रहा हूं, अब मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी परेशान मत होइए। यहां पर देखिए, इसी में देखिए पुंगानुर नस्ल, और ये सब एग्जाम डेट बदला हुआ है। देखिए मैं अभी 2022 का दिखाया था ना, अभी एग्जाम डेट में बदला हुआ है, सबका मैं दिखाऊंगा, परेशान मत होइए। ये कहां चला गया, ये देखिए, ये 2019 का है, आपको दिख रहा होगा है ना, 2019 का है। तो आपने प्रत्यक्ष देखा, लाइव देखा कि कुछ प्रश्न जो हैं वो डायरेक्ट पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न हैं जो अप्रत्यक्ष पूछे गए हैं। अप्रत्यक्ष क्या मतलब, देखिए आप प्रीवियस ईयर पढ़ने से फायदा क्या होगा जरा से समझिए। अगर आप 2022 का प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो उसमें नस्ल भी पूछा गया है, राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यान अगले शिफ्ट में बिल्कुल हूबहू पूछ दिया गया है ना। तो पहले तो पढ़ने से एक फायदा हो जाएगा कि कुछ जो प्रश्न है बिल्कुल हूबहू आपको पूछ देगा, तो वो तो आपका शुद्ध 100% फायदा। कुछ जो है
जैसे कि मुर्रा नस्ल पूछा, तो आपको मैं कहता हूं ना कि प्रीवियस ईयर पढ़िए, तो प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भैया ये मुर्रा नस्ल, यानी कि ये जो नस्ल है यहां से प्रश्न पूछा है। जब आप 2019 का प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे कि भैया निमारी नस्ल पूछा है। जब आप और आगे पढ़ेंगे, ये तो मैं तीन ही डेट का एग्जाम लिया हूं, अगर अभी और चेक करूं ना तो बहुत सारे मिलेंगे। ये तो बस एक दो उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पूछता है। तो आपको ये फायदा होगा कि आप जान जाएंगे कि भैया कौन सा टॉपिक हम पढ़ें जहां से लगभग प्रत्येक वर्ष प्रश्न आ रहे हैं। आपने देखा नस्ल से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आया, अभ्यारण से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आया, ऐसे एक दो नहीं। ये तो बस उदाहरण के लिए मैं दो टॉपिक ही दिखाया आपको, ऐसे तमाम तमाम टॉपिक हैं जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो देखिए दो तीन प्रश्न आपको हूबहू डायरेक्ट मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि दो तीन प्रश्न के लिए इतना मेहनत, तो भैया दो तीन प्रश्नों का महत्व वही लोग जान सकते हैं जो पिछली दफा छठे हैं, जो एक नंबर से, जो दो नंबर से, जो तीन नंबर से छठे हैं, वो दो तीन क्वेश्चन बहुत होता है। तीन क्वेश्चन का मतलब कि छह नंबर से भी ज्यादा, छह नंबर तो आपका ये मिल जाएगा और निगेटिव का भी आपका बच जाएगा, तो छह नंबर शुद्ध है ना। तो हमारा सीधा कहने का ये मतलब है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, जरूर लगाएं, फायदा होगा। एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि ऐसे उन तमाम टॉपिक को मैं छांट करके और आपको क्वेश्चंस भी करा दूं और बता भी दूं कि कौन कौन ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अभी आपने प्रूव के साथ देखा ना, नस्ल भी देखा, अभ्यारण भी देखा, ऐसे बहुत सारे लगभग 20 टॉपिक हैं, तो समझिए कि 20 नंबर आपका एकदम पक्का हो जाएगा। जब पूछा गया था कि पुंगानूर नस्ल, तो बहुत सारे लोग, लगभग 90% लोग इसको गलत किए हैं, क्योंकि नस्ल थोड़ा बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा तो पढ़ते नहीं है, जैसे मुर्रा पढ़ लेते हैं, साहिबाल पढ़ लेते हैं, है ना, निमारी पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि जब आपको पता है कि भैया पूरा हूबहू पूछ रहा है, चेंज कर रहा है खाली क्वेश्चन, बाकी टॉपिक हूबहू है, जैसे नस्ल तो नस्ल, तो जब आपको पता है तो हम नस्ल पूरा पढ़ लेंगे। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं इसका निचोड़ निकाल करके दूं, कि देखिए हमारे पास है सारे सभी ईयर्स का है, मतलब सारे वर्षों का जो भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है सबके क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं, ठीक ना। तो अगर चाह रहे हैं कि इनके टॉपिक मैं आप लोग को निकाल करके दे दूं कि भैया इस टॉपिक को इस वर्ष पूछा गया, इस टॉपिक को इस वर्ष, ताकि उन टॉपिक को कम से कम वो 20-25 जो टॉपिक हैं उनको आप पढ़ें और आपको फायदा हो, डायरेक्ट फायदा हो, तो अगर चाह रहे हैं कि ऐसा कर दूं तो कमेंट करिए। और अगर ये भी चाह रहे हैं कि उन टॉपिक पर कवरेज भी आपको दे दूं, जैसे नस्ल, तो नस्ल से संबंधित फला किसका नस्ल है, सब कुछ मैं वीडियो के माध्यम से आपको क्लास भी करा दूं। तो अगर चाह रहे हैं कि ऐसा मैं करूं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। और ये है देखिए, कोई भी आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भी लेना चाह रहे हैं कि मैं प्रीवियस ईयर लूं, तो किसी भी पब्लिकेशन का ले लें, यहां पर मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, है ना। तो किसी भी पब्लिकेशन का आप ले करके और उसको सॉल्व करिए, और नहीं तो एक ऑप्शन और है, मैं अपने चैनल पर एक क्लास कराया था प्रीवियस ईयर का, लेकिन आप लोग का रिस्पांस नहीं देखा तो इसलिए मैं रोक दिया। अगर कहेंगे तो मैं सारे वर्षों का जो है वह क्वेश्चंस करा दूंगा और इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, है ना, बिल्कुल डिटेल वाला पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी मैं बताना चाह रहा था उसको आप लोग समझ गए, है ना। तो चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं, देखिए ज्यादा बकवास करने से कोई फायदा नहीं है, जो काम की बातें हैं वो ही करा जाए, क्योंकि बकवास बहुत हमने कर लिया है ना, 25 साल 30 साल कोई 32 साल तक लोगों ने बकवास ही किया है। अब पढ़ने का समय है, जो भी बचा है उसको पढ़ करके और आप कंप्लीट करिए अपना। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, इजाजत हो तो फिर मिलेंगे, नमस्कार।